सीने में भारीपन, चलते वक्त सीने में दर्द, स्पीड लेते वक्त सीने में जकड़न, खाना खाने के बाद सीने में जलन, अनावश्यक रूप से पसीना आना, सांस भर जाना या थकावट महसूस करना, क्या आप या आपके किसी परिचित को ये समस्याएं हैं? अगर हाँ तो सचेत हो जाएं, ये हार्ट की बीमारी के संकेत हो सकते हैं। नमस्कार, पीपल हार्ट एंड हेल्थ केयर सेंटर के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा मौत का कारण क्या है? द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज इस्केमिक हार्ट डिजीज। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कॉरनरी आर्टरी डिजीज, कॉरनरी हार्ट डिजीज, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, और आमतौर पर इसे हार्ट अटैक के रूप से जाना जाता है। कॉरनरी आर्टरी डिजीज या कॉरनरी हार्ट डिजीज को समझने के लिए पहले हमें बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के मुख्य ऑर्गन हार्ट को प्रभावित करती है। हार्ट क्या है, कहाँ स्थित होता है? हार्ट संरचनात्मक रूप से एक एम्प्टी पाउच है जो चार चैम्बर्स में बटा होता है। अपर एट्रियम्स, जिसमें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है, और लोअर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। इसकी नॉर्मल कैपेसिटी 60% होती है। 60% का मतलब, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में 100% ब्लड भरा जाए तो ये पंप करके 60% पूरी बॉडी में दे देता है। इसे इजेक्शन फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का हार्ट डैमेज हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए तो इस इजेक्शन फ्रैक्शन में कमी आ जाती है। हार्ट एक मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है, जिसे हम पल्स कहते हैं। 24 घंटे लगातार काम करने के लिए और जीवन की आखिरी सांस तक काम करने के लिए हार्ट को भी न्यूट्रिशन, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है तो खुद की मसल्स के लिए, मायोकार्डियम के लिए, दो आर्टरीज लेता है। हार्ट के राइट एरिया को सप्लाई करने वाली आर्टरी राइट कॉर्नरी आर्टरी यानी RCA कहलाती है। हार्ट के लेफ्ट एरिया को ब्लड देने वाली ट्यूब लेफ्ट मेन कहलाती है। RCA हार्ट के लगभग 30% पार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, जबकि लेफ्ट मेन हार्ट के 70% एरिया को ब्लड देती है। लेफ्ट मेन मुख्यतः दो भागों में बढ़ जाती है, LAD यानी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडेंस, और पीछे घूमती हुई आर्टरी LCX, जिसे हम लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कहते हैं। इन आर्टरीज में जब दो मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन होने लगता है तो कॉरनरी हार्ट डिजीज जनरेट होती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ब्लड में जब एक्सेस मात्रा में हो जाते हैं तो इन आर्टरीज के अंदर मौजूद एंडोथेलियल मेम्ब्रेन के नीचे डिपॉजिट होने लगते हैं। ये एंडोथेलियल मेम्ब्रेन इलास्टिक प्रॉपर्टी की होती है, यानी रबर की तरह होती है। जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का डिपॉजिशन बढ़ने लगता है तो ये मेम्ब्रेन स्ट्रेच करने लगती है। 70-80-90% ब्लॉकेज होने पर पेशेंट तकलीफ महसूस करता है, जैसे सीने में दर्द, जकड़न, भारीपन, सांस का फूलना, जल्दी थक जाना, बार बार पसीना आना, हाथ में तनाव और दर्द। इन सिम्टम्स को एंजाइना कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में किस तरह से बढ़ते हैं, किन खाने की चीज़ों से इनकी अधिकता होती है, और अगर ये ब्लॉकेज बढ़कर 100 हो जाए तो क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। नमस्कार। Thank you.